आज ही नमस्कार सबको राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम कक्षा 9 विषय गणित जिसमें अध्याय 6 रेखाएं और कोण, इसमें हम आज प्रमेय है 6.7। परीक्षा की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट प्रमेय है और इस प्रमेय में किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री या दो समकोण के बराबर होता है, ये हम आज इसको सिद्ध करके बताएंगे। परीक्षा में आपको किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है या इसको यूं भी लिख सकते हैं किसी त्रिभुज के कोणों का योग दो समकोण होता है। अब इस प्रमेय को हमको सिद्ध करके बताना, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रमेय के अनुसार हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। कच्चा चित्र के अनुसार त्रिभुज है कोई एक PQR, पहली शर्त के अनुसार त्रिभुज है PQR और इस PQR में हम रचना के रूप में इस QR के समांतर एक AB रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम प्रमेय लिखते हैं तो प्रमेय लिखने के दौरान हमको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप देखो एक त्रिभुज है केवल PQR, तो पहली शर्त के अनुसार दिया हुआ क्या है, एक त्रिभुज PQR। उसके बाद ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना हमको, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अभी आप देखो यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 और तीनों का योग कितना चाहिए, 180 डिग्री चाहिए। तो ज्ञात करना में लिखेंगे हम कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। उसके बाद रचना, रचना में त्रिभुज PQR की भुजा QR है, QR के समांतर हम क्या कर रहे हैं, AB एक रेखा खींच रहे हैं, ठीक है। और साथ ही हम क्या कि कोणों का अंकन कर रहे हैं, जैसे भी कोण P है उसको हमने दो, कोण Q को हम कोण A मतलब एक नाम दे दिया, अंक दे दिया, इसी तरह से R को 3 अंक दे दिया। तो इस तरह से हम क्या कि कोणों का अंकन कर रहे हैं, तो साथ में हम रचना में ये भी लिखेंगे QR के समांतर AB रेखा तो खींची गई है लेकिन कोणों का भी हमने अंकन किया, तो ये हम रचना में लिखेंगे। अब उसके बाद में उत्पत्ति, और उत्पत्ति में हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले चूंकि AB समांतर QR, हमने AB के समांतर मतलब QR के समांतर AB रेखा खींची है, तो AB समांतर QR कारण में क्या हो जाएगा, ये रचना से। अब आप देखो इसके अंदर कोण ए पी क्यू और कोण पी क्यू आर, ये क्या हो गया आपका, एक जेड नुमा आकृति बन रही है और जेड नुमा आकृति बनने से ये क्या हो गया आपका, एकांतर कोण बन गया। दूसरी बात ये क्या, इसके अंदर ए बी समांतर क्यू आर है तो इसके अंदर पी क्यू, पी क्यू इसकी क्या हो जाएगी, एक तीर्यक रेखा हो जाएगी और तीर्यक रेखा के ये दोनों कोण क्या विपरीत बने हुए, यानी कोण 4 का मान कोण 1 के बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि AB समांतर QR कारण में हो गया रचना से, तो कोण 4 बराबर कोण 1 और कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। इस तरह से ये हो गया आपके एक समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से आप यहाँ देखो कोण BPR और कोण PRQ, ये भी क्या आपका एक जेड नुमा आकृति बन रही है और ये भी क्या हो गई आपके दोनों समांतर रेखाएं AB और QR है और PR इसमें क्या हो गई, तीर्यक रेखा हो गई और तीर्यक रेखा के विपरीत कोण 5 आर आर कोण 3 आर आर, इसका मतलब ये भी क्या हो गया एकांतर कोण और एकांतर कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए कोण 5 बराबर कोण 3 कारण हो जाएगा एकांतर कोण। तो इस तरह से आपके ये दूसरी समीकरण हो गई, दो समीकरण हो गई। अब तीसरा ये है कि देखो ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन के ऊपर देखो तीन कोण नजर आ रहे हैं आपको, यानी कोण 4 कोण 2 और कोण 5 या कोण ए पी क्यू क्यू पी आर और आर पी बी, ये तीन कोण है और एक ही रेखा के ऊपर नजर आ रहे हैं, तो ये रेखीय कोण युग्म बन रहा है और रेखीय कोण युग्म में हमारे को ध्यान में है कि जितने कोण एक रेखा के ऊपर बने हुए हैं उनका योग भी कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम तीसरी समीकरण के रूप में कोण 4 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री और कारण में लिखेंगे रेखीय कोण युग्म और ये हो गए आपके तीसरी समीकरण, ठीक है। अब तीसरी समीकरण में हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का मान रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर समीकरण 3 क्या थी, कोण 4 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180
180 डिग्री आपके समीकरण नंबर 3 देखो ये ठीक है। अब आप यहां देखो कोण 4 आ रहा है, तो जहां पर कोण 4 है वहां कोण 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, कोण 1 लिखेंगे। आप देखो यहां पर कोण 4 बराबर कोण 1 आ रहा है समीकरण नंबर 1 के अनुसार, यानी जितना कोण 4 है उतने कोण 1 हो जाएगा। तो कोण 4 की जगह क्या हो गया, कोण 1 हो गया, प्लस की जगह प्लस, कोण 2 की जगह कोण 2, और प्लस कोण 5 आ रहा है। अब कोण 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3 लिख सकते हैं। तो कोण 5 की जगह हमने क्या कर दिया, कोण 3 लिख दिया इस हिसाब से, और बराबर 180 यही है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, और यही हमको सिद्ध करना था ठीक है ना। यानी तीनों कोणों का योग कितना आना चाहिए था, 180 डिग्री आना चाहिए था। ये इस तरह से, और फिर लास्ट में हमको क्या लिखना, एच प्रूफ, यानी हमने इसी को ही सिद्ध किया था, एच पी लिख देंगे ठीक है। तो आपको प्रमेय केवल ये लाइन लिखी हुई मिलेगी, अब इसको सिद्ध करके बताना है तो आपको पहले एक कच्चा चित्र बनाना है। त्रिभुज का नाम आप त्रिभुज कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे अभी मैंने त्रिभुज का नाम पी क्यू आर लिया और क्यू आर के समांतर हमने एक एबी रेखा खींच दी। इसी तरह से आप भी इस तरह से कच्चा चित्र बनाएंगे, फिर उसके बाद में पहले दिया हुआ लिखेंगे। अब दिया हुआ में त्रिभुज, एक त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर है। उसके बाद ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, त्रिभुज के तीन कोण, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये ज्ञात करना में लिख देंगे। उसके बाद रचना, रचना में क्यू आर के समांतर एबी रेखा खींच रहे हैं और कोणों का भी अंकन कर रहे हैं, तो ये रचना में लिखेंगे। उसके बाद आप देख रहे हो क्यू आर के समांतर एबी है, इसका मतलब ये आपके पास में पी क्यू क्या हो गई, एक टीरियड रेखा हो गई, और टीरियड रेखा के विपरीत एक तो कोण 4 आ रहा है, कोण 1 आ रहा है, और ये दोनों कोण पहली समीकरण के अनुसार एकांतर कोण है, बराबर होते हैं, तो पहली समीकरण बन गई। इसी तरह से यहां देख रहे हम ये एबी और इधर से क्यू आर समांतर रेखा, और इधर पी आर, पी आर क्या होगी इसकी टीरियड रेखा, टीरियड रेखा के विपरीत आ रहे कोण, कोण 5 और कोण 3, लेकिन ये भी दोनों क्या बराबर होते हैं, एकांतर कोण, इसीलिए तो दो समीकरण हो गई। तीसरा यह है कि इसमें ए बी रेखा, इसके ऊपर तीन कोण बने हुए हैं, लेकिन तीनों कोणों का योग हम देखते हैं तो रेखीय कोण युग्म होने से 180 डिग्री, और समीकरण 3 में हम क्या कर रहे हैं, 1 और 2 का मान रख रहे हैं। तो जहां पर 4 था वहां पर हमने 1 रख दिया, जहां पर 5 था वहां पर हमने 3 रख दिया, और 2 की जगह 2 ही है। तो इस तरह से हमारे पास में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले वीडियो को एक बार अच्छे तरीके से देखना है, और HW में भी हम क्या करेंगे, इसी प्रमेय का दोहरान करेंगे। वीडियो बराबर देखना है, HW बराबर हल करते रहना है। वीडियो अच्छे तरीके से देखने के बाद में बिना देखे हम क्या करेंगे, HW की कॉपी के अंदर हम क्या करेंगे, HW ये जो प्रमेय लिखी आज, या प्रमेय जो हमने हल करी है, इसको दोहरान के रूप में हल करेंगे ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।